अवॉइड करायचं इकडे यायला लस किस झाले मारीचे असं विषय सो हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम बॅक टू द न्यू एपिसोड ऑफ भोलू ब्लॉग मोटो ब्लॉग. होप यू गाइज आर डूइंग ॲब्सोल्युटली फाईन. सो येस गाइज अपना ना एक डायरेक्ट एक महिने बाद व्हिडिओ आ रहा अपना क्योंकि चल रहा है अपना थोड़ा सा काम चल रहा था एडमिशन वगैरह का. तो फिलहाल अपन जा रहे हैं आज वडेल रोड एक्सप्लोर करने को जा रहे हैं अपन. मैंने यूट्यूब पे देखा कि वीडियोज़ है पर डिटेल वीडियो कोई भी नहीं है. सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा बना दूँ. सो गाइस बिना किसी तरीके से शुरू करते इस मोटो व्लॉग को. अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. सो मिलते हैं डायरेक्ट स्पॉट पे, लेट्स गो. सो गाइस आप क्लाइमेट चेक करो एक बार. यहाँ पे रास्ता वगैरह एकदम धुले का डायरेक्ट त्रंबक रोड है. ये देखो पूरा हरियाली एकदम. एंड अगर आप शाम में आओगे ना तो फिर आपको यहाँ पे खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेंगी, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे. हाँ जिनके कपल जो कपल से वो आएंगे हमारे जैसे सिंगल लोग दोस्तों के साथ आते गाइस. मेन पॉइंट तो आ गए, बस ये वाला जाने का रास्ता है. चलो चलते हैं अभी. अब है जो है वो सो गाइस ऐसा कुछ रास्ता है, टूरिस्ट पॉइंट हो गया अभी ये. पहले तो नहीं था पर अभी जो भी रास्ता बन गया है ना तो अभी ये टूरिस्ट पॉइंट हो गया है. यहाँ पे शाम में मतलब भेलपुरे की गाड़ी बीड़ी होती है. देखो गाइस चेक दी वेदर इज व्यू चेक करो गाइस एक बार. समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी. सो गाइस फाइनली आ गए ये वाले पॉइंट पे. चेक करो यहाँ का वेदर चेक करो गाइस. इनको इग्नोर करो गाइस, तुम वेदर चेक करो. आपको इग्नोर करो गाइस. सो हम बाइक लेंगे थोड़ा सिनेमैटिक्स. सो गाइस ये वाले पॉइंट पे जो है ना वो रेनी सीजन में ही मजा आता. लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैप वगैरह का. और सामने भी जाएंगे अभी, वहाँ पे है वडेल का लेक, वहाँ पे इससे खतरनाक व्यू आता है. बस चलते हैं अभी वहाँ पे और आप थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, तब तक हम भी थोड़ा घूम लेते हैं. सो गाइस फाइनली अभी फोटो वगैरह निकाल के ओपन में डाल दूंगा थोड़े फोटो वगैरह. और भाई बाय बाय. सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से एंड वहाँ पे सामने जाएंगे. सो गाइस बहुत जोर की हवा चालू है और उधर फोटोशूट भी चल रहा है गाइस. लोग डायरेक्ट गए इस एकदम खतरनाक व्यू यहाँ पे. अगर आप धुले से हो एंड वडेल नहीं आए तो फिर क्या घूमे तुम धुले में गाइस. देखो पेट्रोल बचाने की निंजा टेक्निक गाइस. गाड़ी बंद है अभी देखो. वो पुचकड़ उचक गिचकड़ गिचक सैडलिंग कर रहा है गाइस. सैडलिंग एंड अभी इसको गियर में स्टार्ट करेंगे. वहाँ पर डायरेक्ट 30 स्पीड है वो. सो गाइस सिनेमैटिक्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस. प्योर ईवी ची फील येते गाइस. गाड़ी बंद है तरी पण. एंड इसको गेयर में स्टार्ट करेंगे अपन. अभी अडकतोय लय वेकर जोरात आवाज आलो आहे. तुम्हाला आवाज येत असेल एंड कमेंट मध्ये नक्की सांगा की मराठी व्लॉग करू का इंग्लिश व्लॉग करू का हिंदी व्लॉग करू. तुम्ही सांगाल तसं काहीच आपके हुसूल सराख ऊपर.
डायरेक्ट हेलमेट है ना, मोबाईल लावला तर पूरा असं वाकडं वाकडं होते डायरेक्ट. असं एकदम सुंदर निसर्ग वाटतो काय इकडं. इकडून जायला रस्ता आहे, जाऊ इकडं. पण रात्रीच्या टायमाला थोडं अवॉइड करायचं इकडं यायला, कारण लईस किस्से चालले आहे तिकडं, चोरी मारीचे असा विषय. ऑफ रोड गाईज, इकडं ऑफ रोड. काही वेळेस इथपर्यंत पाणी येतं डायरेक्ट गाईज. हे बघा, हे बांधले नाही इथपर्यंत पाणी येतं काही वेळेस. ह्यावेळेस कमी पाणी. हा रस्ता पण पूर्ण पाण्यात असतो, ही शेती वगैरे पूर्वी पाण्यात गाईज. पाणी पाणी हो गई. हे बघा गाईज, किती मस्त वातावरण आहे गाईज. निसर्गाच्या हम निसर्ग के गोद में गाईज. मला वाटलं डायरेक्ट मगरमच्छ भेटला आम्हाला. बस स्टँड लावू गाडीच. ही तो फेस उडतोय रे भाई डायरेक्ट. लय घाण पाणी. केलं का वेदर चेक? कसं एकदम पाऊस असं काहीच. इकडं वडील ओलं पाणी घाई सर्व एकदम. दर्पण भावसा रिपोर्टिंग फ्रॉम वडील. कॅमेरामॅन ऋषी जाधव, असिस्टंट कॅमेरामॅन सोहम भाऊ, सौरभ जोशी घरी झोपले ते आता डोळे लावून. सपोर्ट पक्षी बाई केवढा भारी चील करतो तिकडं. पक्षी चील करतो एकदम. सो हे थोडे सिनेमॅटिक्स एन्जॉय करा तुम्ही आता. आपण भेटू सिनेमॅटिक्स नंतर. ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए. ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए. ऐसा क्या हुआ? स्विमिंग करना था. तो इस पता नहीं ब्लॉग कैसा बनाए, क्या बनाए, हमको भी नहीं पता कैसा बनाए. वीडियो